तो गाइस यार आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, आज हम करने वाले हैं हाई एंड सीक चैलेंज। गाइस पूरा फार्म हाउस खुला मैदान है, गाइस खुला मैदान है हमारे लिए, कहीं भी छुप सकते हो, ऑल इज फ्री। यस गाइस हमारे दो राउंड होंगे, एक हम आउटडोर करेंगे और एक में हम इंडोर। यस इंडोर होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, पहले आउटडोर से शुरू करके देखते हैं। हाँ। कि अगर आउटडोर में हमें मजा नहीं आया तो हम इंडोर में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी के रूल्स ये हैं, वी कांट गो इनसाइड। ओके ओके, अभी के रूल्स ये हैं, फर्स्ट राउंड में हम इंडोर नहीं जा सकते, पूरा फार्म हाउस आपके लिए खुला है, इसलिए जहाँ छुपना है छुपो, इंडोर जो गया वो गेम से आउट होते हैं। जो भी होगा दैट पर्सन विल गो आउटसाइड द फार्म हाउस, हम उसको यहाँ लेटा देंगे ऐसे मुंह करके, कुछ भी कर देंगे। अच्छा करेंगे, ये डिपेंड करता है कि डिनर कौन है, डिनर कौन डिपेंड करता है, डिनर कौन। अगर मैं अगर डिनर मैं हुआ तो मैं तो ऐसे ही कर लूंगा, तुम लोगों को पता मैं चीटिंग करता नहीं हूँ। माय गॉड उल्टा, आधा किलोमीटर दूर छोड़ कर आना पड़ेगा। सबसे बड़ी ज्यादा हसीन भाई साहब की आई है ये मुकैम्बो खुश हुआ, मोगेम्बो खुश हुआ। तो बहुत सिंपल है यार, बाहर जा नहीं सकते, हमें इसी पूरे फार्म हाउस के अंदर आउटडोर में ही छुप सकते हैं। और तो, सबने तो फार्म हाउस को पता ही होगा, टूर देख लिया है। हाँ फार्म हाउस का टूर आपने देख ही लिया है, तो हम इसमें टीम नहीं करते हैं, ऑल इंडिविजुअल। निशा जी ऑल इंडिविजुअल, एंड गाइस दो जने इकट्ठे छुप नहीं सकते, दो जने खटे छुप सकते हैं, खटे खटे छुप सकते हैं, दो जने खटे छुप सकते हैं। हाँ ये कर लो पहले, तीन भी खटे छुप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खटे कोई भी खटे छुए, बट खटा खटा नहीं करना। ओके तो ठीक है गाइस, खटे ही आउट होंगे, वो आउट भी खटे होंगे। डिनर को या बस देख लेना, आइस स्पाइस कहना है जिसने आउट, जैसे अगर मैं डिनर हूँ एग्जाम्पल, आपने मेरे को छूना है, मैं दूर से कर दूंगा आपको टच करना पड़ेगा अगर मैं डिनर। ओके तो सिंपल रूल्स है, रूल्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, किसी को डाउट है तो वो अपने दोनों हाथ दोनों पैर खड़े कर ले, हम उसको बता देंगे। मैंने ही रूल बनाए, ठीक है। तो अब बारी आ चुकी है बहुत सबसे इम्पोर्टेंट काम की, कि आखिर वो डिनर कौन होगा। पापा, नहीं, मैं तुमको एक गेम खिलाऊंगा, मक्खी बिनक बिनक चू, मैं कराऊंगा ना मजे के लिए, ये कराएंगे, मैं लंबा हूँ, ठीक है चलो ये कराएंगे, चलो जी आओ नीचे कर लो थोड़ा हाथ इन बच्चों के लिए, चलो जी नहीं गुड़ चिपक चिपक मक्खी बिनक बिनक ऐसे करना आपने, गुड़ चिपक चिपक मक्खी बिनक बिनक छू। ट्रायल है, ओके गुड़ चिपक चिपक मक्खी बिनक बिनक चू। यार एंड में मेरा ही था तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठे देता हूँ। वैसे भी ये नन्ने मुन्ने बच्चे हैं और ये नन्नी मुन्नी बच्ची है, ये इसको कहाँ डेन देंगे, मैं डेन दूंगा और सबसे ईमानदार बंदा डेन देगा। हाँ, और सारे फ्रॉक छुपेंगे, इनको घर से बाहर छोड़ जाते हैं। मैं भी जा रहा हूँ बाहर, गाइस यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे को फार्म हाउस से बाहर निकाल रहे हैं, कह रहे हैं तू चीटिंग करेगा, बट कोई बात नहीं, चलो अब जाना पड़ेगा तो पड़ेगा, क्या करें। तो पहले हम लोग वहाँ पे चलते हैं, रुक जा रुक जा, पहले मेरे वाले ओपिनियन पे पापा को जाने दे, इसलिए तब तक मैं हम लोग बाहर वाली जगह पे चलते हैं। अरे जस्ट लेट्स कम चेक लाइक द चेंजिंग रूम। गाइस मुझे बाहर आना पड़ रहा है, मैं तीन तीन फार्म के पास खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ पर वेट करता हूँ उनकी छुपने की। तो गाइस मैं जा रही हूँ, पहले इन सबको जाने दो फिर मैं छुपने वाली हूँ, क्योंकि इन पे कोई भरोसा नहीं है। गाइस मैं ना ऐसी जगह पर छुपने वाली हूँ जहाँ पापा सोच भी नहीं पाएंगे कहाँ छुप रही हूँ। आपको पता ना हमारा ये जनरेटर है एक,
उसके पीछे बहुत जगह है। वो रे मम्मा और सियान छुप जाते हैं, उससे पहले वो लोग मुझे देख लें। यहाँ पे थोड़ा क्रैम्ड है पर हम जाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग बेसिकली चेंजिंग रूम के पीछे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी जगह है तो हम इस पर खड़े हैं। हमारा गेम प्लान ये है कि अगर रमनीक अंकल आएंगे यहाँ पे, रुक जाओ तो मैं यहाँ से जाऊंगी उन्हें धप्पा कर दूंगी। अच्छा तो वैसे आउटडोर छुपना है लेकिन मेरे पास गाड़ी की चाबी है तो मैं अपनी गाड़ी के अंदर ही छुप रही हूँ, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी तो कहीं पे भी छुप ले, मैं गाड़ी के अंदर छुप गई हूँ। आई होप ये अलाउड हो क्योंकि मैं हूँ तो आउटडोर यार। हमारा एक स्टोर रूम है वहाँ पर जाते हैं। मुझे पता चला है कि सब लोग छुप गए हैं तो मैं ढूंढना शुरू करता हूँ। अगर वो जा नहीं सकते तो इस रूम में भी नहीं जा सकते। मेरे को डाउट हो रहा है वो जनरेटर के पीछे आवाज़ आ रही है क्योंकि इन लोगों के बस का नहीं है, शांत नहीं बैठ सकते, मेरे जनरेटर पे डाउट हो रहा है। पुनी छुपी हुई है, उसने भी मुंडी ऊपर करी थी, मैंने उसकी मुंडी देख ली है, उसको लग रहा है कि वो अभी भी छुपी हुई थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रनी कह रहे हैं सामने से मैं गई। Shit. ये देखो ये नकली प्लेयर मेरे को हराएंगे। गाइस मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हाइड एंड सीक के अंदर और मैं टूर्नामेंट विन किया था। गाइस मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कॉर्नर है, इधर से कोई मेरे पे अटैक ना करे तो मैं थोड़ा सा इधर से जाऊंगा तो मुझे पे अटैक ना करे। कोई नहीं भाई, इधर वैसे उस रूम में तो कोई जा नहीं सकता है, उधर रूम है। फिर भी मैं एक बार निगाह मार लूं कोई चीटर घुस जाए तो। नहीं नहीं रमी आओ इधर चेक करते हैं, इधर देखते हैं, इधर यार ये मिली तो नहीं हुई। चलो चलो उधर देखो, उधर 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 देखो, यहाँ कोई नहीं हो सकता, गंदी जगह है ये, यहाँ देखो यहाँ रवनी वहाँ देख वहाँ पर अरे ए ए पकड़ लिया। देखो एक छोटा बच्चा वहाँ बैठा है, कोई छोटा बच्चा वहाँ बैठा है। एक छोटा बच्चा पकड़ा गया और बच्चे ढूंढता हूँ। मैं आपको लेकर चलती हूँ जहाँ सीटर है, मुझे डाउट है कि मुझे वहाँ जाने नहीं दे रही। नहीं नहीं वहाँ कोई नहीं है, मुझे वहाँ जाने नहीं दे रही, जरूर कुछ गड़बड़ है। आओ वहाँ मुआयना करते हैं। जाते रहो, जाते रहो, मैं तो आ गया। जाते रहो। यहाँ पैरों के निशान है, मिट्टी है, पैरों के निशान है, शेर जहाँ जहाँ जाता है पैरों के निशान तो होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कोई नहीं है। देखा, कोई भी नहीं है यार। यार। एक और रूम है, ये पहले खुला हुआ था, ये दरवाजा पहले खुला हुआ था, अभी बंद है, इसको मैं सोच रहा हूँ लॉक कर दूँ। लो जी। जानवर नहीं है, कोई भी नहीं है। पापा इस ड्रेसर की दरवाजा खोल रहे हैं जैसे कोई जानवर निकलेगा सामने से। तो गाइज अभी ना
वो लोग यहाँ पे आए थे, मेरे पापा बिल्कुल कॉर्नर में छुपे थे हाँ, तो बेसिकली वहाँ पे तो उनको ढूंढ लिया और वो लोगों ने चेंजिंग रूम के सारे दरवाजे भी दिखे बट वो हमारे पास नहीं आए और हम लोग बच गए। आई थिंक पापा को पता भी नहीं है कि चेंजिंग रूम के पीछे स्पेस है। हाँ तो बेसिकली अभी हम लोग बच गए हैं, तो हाँ बस हम लोग आपको बताना चाह रहे थे। जाते रहो। जाते रहो। मुश्किल होता जा रहा है गाइस, पूरा हमने ग्राउंड लगा लिए, बच्चे दिख नहीं रहे, बची है अनंत्या, शनाया, निशा जी और शनाया और शना नहीं हो गया जी सियान 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 अभी बचा है। मुझे लग रहा है अंदर घुस गए, अंदर घुस गए होंगे ये चीटर, घुसेंगे तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे इनको। सही पकड़े हैं, चीटर है ये। हाँ यहाँ कौन हुआ था? वहाँ कहाँ चलो, जब अंदर पूरा यही है ना, फार्म से बाहर थोड़ी चले जाएंगे। गाइस गाइस अभी मैं एक प्लेयर को बचा कर आई हूँ। इतने प्यार जैसे कोने में जैसे बैठे हुए गाइस, देख लो इसे कहते हैं इनोसेंस, खुले में बैठा ऐसे करके। ठीक है अभी बिल्ली कबूतर आंख बंद कर लेता है, उसे लगता है कोई देख नहीं रहा। अभी मैं अपने बिल्ली कबूतर दोनों ही है, अभी मैं अपनी प्लेयर को बचा कर आई हूँ। झूला हिल रहा है गाइस, कोई झूले पे था मुझे लग रहा है। नहीं नहीं कोई भूचूत होगा, कहाँ है गाड़ी में तो नहीं घुस गया कोई, क्योंकि आउटडोर है गाड़ी में घुस सकते थे। देखो ना ऐसा करके देखो कहीं कोई मूवमेंट। पकड़ लिया हमें बस भागते इधर उधर भाग रहे, कोई भी आ जाए सामने। आप कौन कौन बचा है? मुझे पता है ये दोनों इकट्ठे छुपे हुए हैं, अब दिक्कत बढ़ती जा रही है। मुझे पता है गाइज, फाइनली हमारे को हमारी दोनों लड़कियां मिल गई हैं और ये लास्ट तक बची रही हैं, इनकी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से विनर यही। बड़ी अच्छी जगह पे छुपी हैं, किधर से निकल रहे हो? आ जाओ सब पकड़े गए, फाइनली सब पकड़े गए। तो गाइस यार हम फर्स्ट राउंड ऑफ हाइड एंड सीक हमारा खत्म हो चुका है और फर्स्ट राउंड में विनर है अनंत और मैं, और ये कुछ नहीं होता इस बार टाइमर के साथ। एक सेकंड विनर देखने के लिए रमनीक सिंह मंत्री पे हाइड एंड सीक चैलेंज देख लेना। अभी चैलेंज की बात नहीं करते, मजे आए नहीं आए ये बताओ। बहुत मजा। किसको मजा आया? मुझे। ठीक है ना, अभी दो मेंबर हमारे मिसिंग है, अंदर गए हैं और फिर वो आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं। और अभी सनसेट होने वाला है गाइस, कहाँ गया सर? ये रहा, मिल गया, सनसेट होने वाला है और हमें एक और राउंड खेलना है अभी और फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर हम लोग मजे के लिए इंडोर खेलेंगे, मजे के लिए भी खेलेंगे बट सबको खेलना पड़ेगा। हाँ खेलेंगे। तो नाने अपनी गुत तो दिखा दे, खजूरी गुत, अरे आराम से खजूरी गुत डन बाय अपकमिंग मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट निशा। मेकअप आर्टिस्ट नहीं, हेयर स्टाइलिस्ट। यस गाइस, हम यहाँ पे बैठे हैं और आप देख लो ये यहाँ पर पीकॉक आ गया है और यहाँ पे सब कैमरास निकल गए हैं हमारे, हमारी छत पे पीकॉक हमारी, और क्या ये देखो आराम से घूम रहे हैं हमारे पीकॉक वाले भाई साहब। अरे छत पे है ना वो, देख। मैंने की है तो अब ये वॉलंटरी ब्लड डोनेट करने जा रही है, जाओ तो वॉलंटरी वहाँ पे करो जाके। हम छुपने जा रहे हैं, पीछे मुड़ना मत और पीछे। हमने देख लिया।
अरे हमने कक्का देख लिया, अरे देख लिया, वीडियो भी बना ली है। अरे यार चैलेंज करने दो। तो ठीक है माइक वहां पर है, मैं जोर से बोल रहा हूँ अनंत्या गो। मैं जीतूंगी नहीं, मैं नहीं करूंगी। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। बाहर आ गए हैं और यहाँ पे होल है। तो गाइस सेटरडे बहुत बढ़िया बनने वाली है। हाँ हम क्या करने वाले हैं? प्योर 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 चीटिंग, प्योर चीटिंग करने वाले हैं। अच्छा ये आउटडोर गेम चल रही है, इंडोर अलाउड नहीं है। तो हम जाने वाले हैं, किसी को बताएंगे नहीं, हम जाने वाले हैं घर के अंदर, वहाँ पे ये ढूंढेंगे ही नहीं, तो हम मिलेंगे ही फिर। हम आधे घंटे बाद आएंगे जब इनका टाइम पूरा हो जाएगा, चुपचाप से किचन वाली साइड से। गाइस हम इस रूम में अपने आप को बंद कर लिए, यहाँ से हम पूरी निगाह भी रखेंगे क्योंकि यहाँ से पूरा आपको दिख सकता है। तो गाइज मैं आ गई हूँ अनंत्या की गाड़ी में, वहाँ पर एक कम्बल पड़ा हुआ है एंड आई एम गोइंग टू बल्ज इन इट, तो फिर अनंत्या को पता नहीं चलेगा आई एम हियर। मैं और शनाए यहाँ छुपे हुए हैं, अनंत्या हमें देख तो लेगी लेकिन हम छुप छुप जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है ढूंढने के लिए, मैं जा सकती हूँ? क्यों नहीं, ओह नो, मेरे से तो कोई नहीं ढूंढा जाएगा। मोटर के पीछे पीछे पक्का कोई होगा क्योंकि हमेशा होता है। यहाँ पे कोई नहीं है, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। तो मैंने अपनी कांचों का दूध लिया। ये देखो ये शनाया छुपी हुई है, निशा छुपी है और उधर कॉर्नर में पुनीत पकड़ी हुई है यहाँ पे। इतनी मेहनत करके मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घुसी, कपड़े गंदे हुए बस मेरे। ये मुश्किल था, ये पापा की वजह से देख शदाया भी पकती थी। गाइस अब वो बैकयार्ड में जा रहे हैं इधर से पीछे, वहाँ पे चांद पे है मैं। चांद प्ले कर गया स्मार्ट है, अभी नजर आया गायब। हाँ मुझे तो नहीं दिखा। अब पापा को ढूंढते हो क्योंकि वो लाल और बहुत बड़े हैं तो दिख जाएंगे। गाइस बाहर आई स्पाइस की आवाज आई जा रही है, मतलब अनंत आसपास ही है। हां 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 चीटिंग की है, वो चीटिंग कर सकते हैं, हम चोरी कर सकते हैं और वो घर के अंदर छुपे हैं, वो घर के अंदर छुपे हैं। खत्म, बाय बाय टाटा। ये तो गलत है, ये तो टैटल टेल है। अरे यार और मेरे पापा भी उनके साथ हैं। हां वो चीटिंग, चलो छोटे छोटे बच्चों के पेट में बात नहीं फंसती है। अनान्या भी अंदर ही है, अनान्या का पता नहीं, अनान्या को ढूंढो।
अनन्या को तो तू ढूंढ ही नहीं पाएगी। अरे बहुत इजी है मैं ढूंढ। गाड़ी खोले कैसे मिली यार? अरे हिल रही थी। और मेरे को याद है कि ये ऐसे हम लोगों ने ना स्क्वायर में करके आए थे, ये पूरा ऐसे फैला हुआ है, समझ रहे हो? और आप लोग गाड़ी के अराउंड ही बोल कर रहे थे ना, हम दो तो हम दोनों तो वैसे ही छुपे थे। हम तो पहले कोर्ट में छुपे थे, चलो चीटर्स को ढूंढने चल रहे हैं। हमारी कोर्ट तो खुली चुकी है। धप्पा, रुको जरा, सबर करो। तुम्हारे पापा पता नहीं किधर है। अरे वो दिखाई कर दो, आउट ऑफ है, शर्म आ रही है। थोड़ी सी थी लेकिन मैंने धप्पा तो किया ना, मैंने धप्पा कर दिया। ब्लॉग का टाइटल मिल गया, हाइड एंड सीक में पापा ने की चीटिंग। कोई चीटिंग नहीं करी है, ये तो चीटिंग है यार। आप अंदर आके चीटिंग कर रहे हो। आज तो मेरा सियान ने बता दिया। ये तो बोल बोल पर मत दिख ले यार। तो मतलब सियान को बड़ा नहीं थी और चीटिंग सही नहीं, तो डिक्लेयर मैंने हो गई मैं। ओके रुको जरा, सबर करो। ये ऐसी गेम है जिसमें बच्चे चीटिंग नहीं कर रहे और बड़े चीटिंग कर रहे हैं। देखो मैं सच बता रही हूँ कि डिक्लेयर्ड विनर तो नान्या ही होनी चाहिए, क्योंकि वो ही ये आइडिया श्याम ने हमको दिया था। अंदर जाके सकते हैं। मुझे लगता है कि पापा लोगों ने चीटिंग की है तो पापा लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब बच्चे डिसाइड करो कि क्या पनिशमेंट। भैया 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 हेलो 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 हेलो, इन्हें पूल में कूदना पड़ेगा। पनिशमेंट का अलग से वीडियो बनाएंगे। पनिशमेंट तो हम लेंगे, लेकिन क्या पनिशमेंट है वो बात। हम लेंगे। इन बच्चों से तो इस हाइड एंड सीक चैलेंज का विनर कौन है आप लोग? अरे वो कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताओ कौन विनर है। और क्यों मैं चुनी हूँ? वाह, मैंने कोई चीटिंग नहीं करी है। मैंने फर्स्ट राउंड में विनर नहीं थे, बिकॉज़ टाइम लिमिट था। अच्छा गाइस, मैं विनर हूँ। बच्चों को कोई बात नहीं, आप लोग डिसाइड करके बताना। हम लोगों को तो बहुत मजा आया, क्यों भी मजा आया ना? बहुत मजा आया। तो थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को हिट लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप फर्स्ट वी आर गेमिंग बर्थडे पार्टी वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 ब्लॉग पे। गेम्स बहुत अच्छी थी, वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।